ज्योतिष के इस प्रोग्राम में वास्तु के बिना भी गुजारा नहीं होता है। घर और ग्रह एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर आपके कुंडली के अंदर भाग्य बहुत अच्छा है, ग्रह बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन आप वास्तु दोष में रहते हैं तो भी उसके पूरे फल नहीं मिल पाते। कई बार कुंडलियां बहुत अच्छी होती हैं, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन घर में तनाव रहता है, क्लेश रहता है, पैसा नहीं रुकता है। और कई बार घर आपका बहुत अच्छा होता है, वास्तु के अनुरूप होता है, लेकिन आपके ग्रह खराब होते हैं तो भी आपके साथ परेशानी होती है। इसलिए घर और ग्रह, इन दोनों का आपसी बहुत गहरा संबंध होता है। तो आज मैं आपको जानकारी दूंगा अपने ज्योतिष के इस वास्तु के एपिसोड में, क्या आखिर पीपल का पेड़ और शनि, इनकी क्या दुश्मनी है? पीपल का जो पेड़ है इससे शनि क्यों डरता है? और पीपल का पेड़ पूरब दिशा में हो तो बर्बाद कर देता है, पीपल का पेड़ पश्चिम दिशा में हो घर के, फैक्ट्री के, ऑफिस के, मॉल के, तो आबाद कर देता है। ये एक रहस्य है, ये एक गुत्थी है, उलझ गई है, लेकिन इसका वैज्ञानिक आधार नहीं मिलता। आज हम आपको वैज्ञानिक आधार पर इसकी जानकारी देने वाले हैं। आज आपको बताएंगे कि पीपल का पेड़ अगर आपके घर के पश्चिम दिशा में, फैक्ट्री के पश्चिम दिशा में है, आपके कॉमर्शियल जो कॉम्प्लेक्स है उसके पश्चिम दिशा में है, तो आपको जबरदस्त इसका लाभ भी मिलता है। और यहाँ शनि बहुत डरता है, भयभीत होता है और अच्छा फल देने के लिए मजबूर हो जाता है। चाहे शनि की साढ़े साथी हो, शनि की मां दशा हो, शनि की अंतर्दशा हो, शनि की प्रत्यंतर दशा। शुरुआत करते हैं। पीपल का पेड़ राउंड द क्लॉक ऑक्सीजन देता है और दिन में और ज्यादा ऑक्सीजन देता है, क्योंकि सूर्य की किरणें से जो उसके पत्ते होते हैं वो ऑक्सीजन को बनाते हैं और ज्यादा फेंकते हैं, रात के मुकाबले थोड़ा कम होता है। इसलिए हमारे यहां पर एक विधान है, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने का विधान। अगर आप दिन छिपने के बाद दीपक जलाते हैं पीपल के पेड़ के नीचे, पांच मुखी, तीन मुखी, सात मुखी, तो उससे उजाला होता है और वो जो रोशनी होती है उस रोशनी से जो पत्ते होते हैं वो पत्ते ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं और ऑक्सीजन देना शुरू कर देते हैं। ऐसे तुलसी का भी यही होता है, तुलसी भी ऑक्सीजन देती है। इसके अंदर एंटी ऑक्सीडेंट जो एयर के अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमारे ऋषि बड़े वैज्ञानिक थे। आप देखिए, तुलसी को जब भी दीपक जलाना हो, दिन छिपने के बाद अंधेरे में जलाइए दीपक, और तुलसी की खुशबू, बड़ी खुशबू अंदर आनी शुरू हो जाती है। तो यही विधान है पीपल के पेड़ का भी। शाम को पश्चिम दिशा जब होती है तो वहां शनि बलवान होता है उस दिशा के अंदर। जैसे सूर्य छिपता है, सूर्य छिपते ही शनि बलवान शुरू हो जाता है और शनि का प्रकोप बढ़ना शुरू हो जाता है। वहां नेगेटिव ऊर्जा डेवलप होनी शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा जब शाम को दिन छिपता है तो घर के अंदर ह्यूमिडिटी बढ़ती है, मच्छर भिनभिनाने शुरू हो जाते हैं, मच्छर पैदा हो जाते हैं। थोड़ी सी डिग्री टेम्परेचर डाउन होने से ही मच्छर पैदा होकर के फिर आपके इधर उधर पूरी रात फिर मच्छर आते हैं। दिन में मच्छर नहीं खाते कभी भी, क्योंकि मच्छर शनि का प्रकोप है, शनि से रिलेटेड होते हैं। जितना भी बैक्टीरिया है, कोरोना है, वायरस है, ये सब शनि से रिलेटेड होते हैं। तो वो भिनभिनाना शुरू होते हैं। अब शनि का प्रकोप घर में बढ़े, फैक्ट्री ऑफिस घर में बढ़े, तो उसको रोकने के लिए पीपल का पेड़ जो होता है पश्चिम दिशा से शनि की जो बलवान होने के कारण उसकी जो बैड रेज घर के ऊपर इफेक्ट डालती है, नेगेटिव ऊर्जा घर पे जो इफेक्ट डालती है बलवान होकर के, उसको नेगलीफाई करता है पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ ऑक्सीजन देना शुरू कर देता है और पश्चिम दिशा से शनि बलवान होकर के हमारे ऊपर अटैक करना शुरू करता है। जैसे शनि अटैक करना शुरू करता है, पीपल का पेड़ उसके जो उसकी अटैक करने में जो उसकी तरंगें, किरणें, रेडिएशंस होती हैं, नेगेटिव ऊर्जा होती है, उसको वो कहीं ना कहीं नुकसान कर देता है और उसको शनि के जो बुरे प्रकोप को रोक देता है और मनुष्य को बचा लेता है। पीपल का पेड़ और शनि की कहानी बड़ी लंबी है, बरगद के पेड़ और शमी के पेड़ की कहानी लंबी है, इसलिए ये कहानी तो मैं फिर कभी आपको बताऊंगा। तो इसलिए अगर आपके पश्चिम दिशा में घर, फैक्ट्री, ऑफिस, मकान या आपका फार्म हाउस या एग्रीकल्चर लैंड में पश्चिम दिशा में है तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, पूरब दिशा में है तो नुकसानदायक है।
पूरब दिशा में सूर्य की दिशा होती है, उधर से पॉजिटिव एनर्जी आती है और ये पॉजिटिव एनर्जी को सोख लेता है, क्योंकि धूप से ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और फिर छाया भेद बना देता है, तो घर में छाया आती है। और जो सूर्य की किरणों के अंदर हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक चीज़ें होनी चाहिए उनको वो खुद ही एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि वो रात को छोड़ सके। इसलिए पूर्व दिशा में नहीं होना चाहिए, पश्चिम दिशा में आप पीपल का पेड़ रख सकते हैं, उससे लाभ मिलता है। तो ये है इसका वैज्ञानिक आधार, जिससे पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने का विधान भी है, उस विधान से ऑक्सीजन बढ़ जाती है। हमारे ऋषि बड़े वैज्ञानिक थे। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।